प्यारे दोस्तों, कहानियां सुनना सभी को अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है ना? आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है हरा घोड़ा। अकबर भारत के महान शासक थे और बीरबल उनके नौ रत्नों में से एक थे। एक दिन अकबर और बीरबल दोनों घोड़े पर बैठकर बागीचे की सैर कर रहे थे। बागीचे की हरियाली देखकर बादशाह अकबर का मन बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन वे सोचने लगे कि उनके पास भी अगर एक हरा घोड़ा होता तो वह उसी प्रकार बहुत सारे स्थानों पर घूमते थे और सैर करते थे। फिर क्या था, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूँ। इस एक सप्ताह में तुम मेरे लिए एक हरे घोड़े का प्रबंध करो। सच तो यह है कि बादशाह अकबर और बीरबल दोनों ही जानते थे कि संसार में कहीं भी हरा घोड़ा नहीं होता। वास्तव में बादशाह अकबर बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बीरबल को हरा घोड़ा लाने के लिए कहा था। बीरबल भी यह बात जानता था, फिर भी उसने बादशाह अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रखा। एक सप्ताह तक बीरबल इधर उधर घूमता रहे और आखिर में वह बादशाह के सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने बादशाह से कहा कि हुजूर, मैंने आपके लिए हरा घोड़ा खोज लिया है। बादशाह यह सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि अगर संसार में हरा घोड़ा है ही नहीं तो वह बीरबल ने कैसे खोज लिया है। लेकिन फिर भी उत्सुकता दिखाते हुए उन्होंने बीरबल से कहा कि वह हरा घोड़ा तुरंत देखना चाहते हैं। बीरबल ने उनसे कहा कि मैंने हरा घोड़ा खोज तो लिया है, लेकिन उसके मालिक की दो शर्तें हैं और इसी कारण वह घोड़ा बादशाह तुरंत नहीं देख सकते। कैसी शर्तें? बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा। तब बीरबल ने जवाब दिया कि पहली शर्त यह है कि घोड़ा लेने के लिए बादशाह अकबर को स्वयं जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है, इसलिए घोड़ा देखने का दिन भी अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के सात दिनों के अलावा किसी भी दिन घोड़े को देखा जा सकता है। दूसरी शर्त सुनकर बादशाह अकबर बीरबल का मुंह देखने लगे और मन ही मन वह विचार करने लगे कि सप्ताह के सात दिनों के अलावा कौन सा दिन हो सकता है। तभी बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि अगर वह घोड़ा देखना चाहते हैं तो दोनों शर्तें माननी होगी। बादशाह अकबर बीरबल का यह जवाब सुनकर निरुत्तर हो गए और मन ही मन वह खुश भी हुए कि बीरबल ने उन्हें अपने चतुराई से फिर एक बार मात दे दी।